हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये होती क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइन करें या समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टिकल की संख्या पर तो डिपेंड करती है लेकिन उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वह गुण अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? वह गुण जो कणों की संख्या पर तो निर्भर कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहे। अब यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें कणों की संख्या की, तो यहां कणों की संख्या से मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कण की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर तो डिपेंड करती है लेकिन पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब यहां पर कौन कौन से एग्जांपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो बेसिकली हम चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक एक करके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक बार मैं पढ़ देता हूं। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एक कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व करा वाटर में, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वहां पर आप इसको ऐसे देखेंगे, जितने आयंस की संख्या ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ज्यादा होगी। तो वहां पर पार्टिकल की संख्या बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, आयन की संख्या बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आयन की नेचर पर डिपेंड कर रही है कि भाई पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड कर रही है कि भाई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल की संख्या पर तो डिपेंड कर रही है लेकिन साथ के साथ नेचर पर भी डिपेंड कर रही है पार्टिकल के, भाई पार्टिकल छोटा है, बड़ा है, न्यूट्रल है, चार्ज्ड है, तो फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंडीशन क्या है? पार्टिकल की संख्या पर तो डिपेंड होनी चाहिए लेकिन उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। नेचर का मतलब साइज से आप कह सकते हो, वेट से कह सकते हो, चार्ज से कह सकते हो, ETC। अब यहां पर एक क्वेश्चन इस टाइप से सीधा सीधा सा बनता है, निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर निम्न में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमको पूरा याद रखना है। अगर मान लीजिए आधा अधूरा याद करा तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे? कि भाई आपने क्या करा, वेपर प्रेशर तक तो याद रख लिया, भाई ये तो स्टेटमेंट बड़ा लग रहा, मैंने तो केवल वेपर प्रेशर याद कर लिया। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। वाष्प दाब में आंशिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हिंदी में अगर हम कहें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, या सॉरी आंशिक अवनमन, आपेक्षिक नहीं होगा, आंशिक अवनमन, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वाथनांग। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्वाथनांग में उन्नयन, ठीक है। ये आपको पूरा याद रखना है, अगर आपने आधा याद रखा तो गलत हो जाएगा, पूरा आपको याद रखना है। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों में से अगर देखा जाए तो इकलौता ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब कहते हैं हिंदी में, इकलौता ऑस्मोटिक प्रेशर है जो अकेला है। अकेला का मतलब उसके साथ आपने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी, मतलब केवल ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन केवल बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, केवल फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, केवल वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आज हम इनमें से दो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी ये जो दो प्रॉपर्टी है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो उसमें मैंने आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था, इसमें भी हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे वापस से। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या है। देखिए लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये कोई वेसल है, ठीक है, ये आपने क्या करा, लिक्विड ले लिया, ये मैंने क्लोज कर दिया इसको, ये लिक्विड है और ये इसकी वेपर है।
तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ये साम्य की स्थिति में है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और होता है, और वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब ये जो लिक्विड है ये वेपर बनाएगा और वेपर लिक्विड बनाएगी। तो ये क्या है, साम्य की स्थिति, मतलब जितना लिक्विड से वेपर बन रहा है उतना वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो यहां पर वेपर प्रेशर को अगर आप सिंपल से सिंपल डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि साम्य की स्थिति में जो वेपर लिक्विड की जो वेपर है वो लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर लगा रही है वो वेपर प्रेशर है। इसको अलग अलग फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो, सबसे बेस्ट ये सबसे सिंपल यही है कि साम्य की स्थिति में जो वेपर है लिक्विड की, वो वेपर की सतह पर जो, सॉरी, लिक्विड की सतह पर जो प्रेशर लगा रही है वो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, सबसे सिंपल है। और मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर को हम एक तरह से एस्केपिंग टेंडेंसी से ही मेजर करते हैं कि लिक्विड की जितनी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वेपर बनेगी, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतने क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इतना सफिशियंट है। अब यहां पर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मुझे समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्या समझा कि यहां पर मैंने क्या कहा, एक तो टर्म है पी और एक टर्म आएगी पीएस, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने क्या कहा कि अभी ये लिक्विड जो है ये प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब ये केवल लिक्विड है, कंपोनेंट ए है, कोई इसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड नहीं कराया। तो इसका जो प्रेशर होगा प्योर का वो मैंने कहा पी, पी का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा कि जो पी है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी देखिए मैं आपको राउल्ट लॉ भी बताऊंगा, फिर कंपेयर भी करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे, कैसे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। तो मैंने क्या कहा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है पी, जिसको हमने, अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो प्योर कंपोनेंट का हमने बात करी थी पी नॉट ए या पी नॉट बी, ठीक है, जब हमने कहा था ए और बी कंपोनेंट है, खैर उसको मैं ज्यादा नहीं जा रहा, अभी हमने बात करी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने क्या करा, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, कंडीशन ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं। अब मैंने दो कंपोनेंट लिए, एक तो मैंने लिक्विड लिया जो कि क्या है, वोलेटाइल है, तभी तो वेपर प्रेशर की बात होगी। अब मान लीजिए ऐसा ले लिया सॉलिड जो वोलेटाइल नहीं है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं। तो मैंने पी जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अब ये जो सॉल्वेंट है ये क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील है, क्या है, वाष्पशील। अब मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड करा, तो यहां पर सॉल्यूट जो मैं ऐड कर रहा हूं वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाएगा। तो मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल। अब इससे होगा क्या कि सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट ऐड करा तो वो एक तरह से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया, लेकिन वो जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो कम हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा। तो ये मैंने कहा पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने कंडीशन क्या बताई कि पी इज ग्रेटर देन पी एस, ये कंडीशन बता दी कि भाई प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। तो यहां पर अगर मैं टर्म काम में लेता हूं पी माइनस पी एस, इसको मैं क्या कहूंगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए मैं आ कहां पे रहा हूं, मैं आ रहा हूं हेडिंग पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कहते क्या है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो सबसे पहले हमने कहा पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फिर मैंने कहा पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर मैंने साथ में कंडीशन बताई कि सॉल्यूशन आपने बनाया कैसे है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर, वो सॉल्वेंट से कम आएगा। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए होगा क्या, जब आपके प्योर सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए कि ये सतह है लिक्विड की, तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो सतह पर सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं, सॉल्वेंट के। तो सारे मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या है, या पॉसिबिलिटी है, चांस है कि भाई वो क्या करे, वेपर बना रहे। लेकिन अगर मैंने सॉल्यूशन ले लिया तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये भी सतह पर आ गया, तो अब जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं सतह पर किसके, सॉल्वेंट के, जो कि वेपर बना सकते हैं, उनकी संख्या कम होगी कंपेरेटिवली, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया सतह पर, तो ओवरऑल वेपर बनने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इसको हम थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का कम क्यों हुआ, कि जो ओवरऑल सरफेस है उस पर
वॉलेटाइल मॉलिक्यूल भी आ गए जो कि सॉल्वेंट के, और नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल भी आ गए जो कि सॉल्यूट के, तो ओवरऑल टेंडेंसी जो है वेपर बनने की वो क्या हो गई, कम। तो ये रीजन हो गया। तो पी माइनस पी एस मैंने क्या कहा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पी माइनस पी एस अपॉन पी, तो ये आपके हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपके अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं कि भाई होती क्या है, तो उसको हम फॉर्मूला वाइज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P माइनस पी एस अपॉन पी। अब ये P क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है सॉल्यूशन का, तो P माइनस पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर में अंतर, और नीचे क्या आ गया, जो इनिशियल में वेपर प्रेशर था वो। तो ये जो आपके कंसेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको मैथमेटिकली हम कैसे बताते हैं, पी माइनस पी एस अपॉन पी से। अब आपके जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हमने क्या कहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिफाइन करा, जो पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती है। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसकी संख्या पर डिपेंड करेगा, पार्टिकल की संख्या पर, और पार्टिकल की संख्या किसकी, सॉल्यूट की। तो यहां पर मैथमेटिकली किसने डिफाइन करा इसको, राउल्ट्स लॉ ने। अब राउल्ट लॉ क्या है, यहां पर हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं, पहले हमने डिफरेंट पढ़ा था, दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले जब हमने पढ़ा था दो कंपोनेंट के लिए पढ़ा था, दोनों क्या थे, वॉलेटाइल थे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब राउल्ट लॉ क्या कह रहा है इस केस में, राउल्ट लॉ कह रहा है कि आपके जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, किसकी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट की, किसकी वजह से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, वो किसके बराबर है, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मतलब पी माइनस पी एस अपॉन पी जो है वो किसके बराबर है, राउल्ट लॉ कहता है वो बराबर है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल भिन्न के बराबर है। और सॉल्यूट का मोल भिन्न है तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फॉर्मूले के फॉर्म में, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहां पर आपके स्मॉल एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एन का मतलब सॉल्यूट के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या हो गया, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या हो गया, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या हो गया, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। सॉल्यूट का मतलब विलय, सॉल्वेंट का मतलब विलायक। अब आपके मोल भिन्न होता क्या है, जिसका भी मोल भिन्न आपको निकालना है उसके मोल की संख्या ऊपर और टोटल मोल की संख्या नीचे। तो मैंने यहां पर क्या कहा, यह है किसके बराबर, x किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने कह दिया। तो यहां पर सॉल्यूट का मोल भिन्न निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल क्या है, स्मॉल n, वो ऊपर आ गए, और टोटल मोल जो है, टोटल मोल का मतलब जो भी कंपोनेंट है उनके मोल ऐड कर दो, कंपोनेंट कितने हैं, दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये राउल्ट लॉ का फॉर्मूला आ गया यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहां पर क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करी है कि इस पर मोलों की संख्या पर, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये डिपेंड नहीं करती तो हम इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते। तो राउल्ट लॉ ने क्या कह दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो हमने क्या कहा, पार्टिकल की संख्या पर निर्भर कर रही है, कौन से पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल। ये आपके डिफाइन हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको हम डिफरेंटली कैसे कैसे और लिख सकते हैं वो हमको चेक करना है। क्यों, क्योंकि जब इस पर न्यूमेरिकल आता है तो काफी टफ पड़ जाता है, क्यों, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, फॉर्मूले को चेंज करना, रिप्लेस करना। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन क्या है, स्पेशल कंडीशन, कि अगर आपके कैपिटल एन जो है बहुत ग्रेटर देन है किससे, स्मॉल एन से, तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फिर हम उस केस में लिख सकते हैं पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई बड़ी संख्या में छोटी संख्या ऐड कर रहे हैं और छोटी संख्या बहुत ज्यादा छोटी है तो उसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। जैसे मैंने कहा एन है 1000 और स्मॉल एन है 1, तो 1 में 1000 में 1 जोड़ेंगे तो वो 1001 आएगा, लेकिन वो नियरली इक्वल टू 1000 है। तो मल्टीप्लाई में आप इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप जो वेरी स्मॉल टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कह दिया कि ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया।
अब होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट केवल यही फॉर्मूला याद करता है जो उसके लिए समस्या का कारण बन सकता है। क्या कारण बन सकता है? ये फॉर्मूला स्पेशल कंडीशन के लिए है, हर कंडीशन के लिए नहीं है। तो मेरी राय तो आपके लिए यही रहेगी कि आप यही वाला फॉर्मूला याद करें, और जब आपको लगे कि भाई हाँ कंडीशन है कि भाई वैल्यू डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको आप कन्वर्ट कर लो इसमें। लेकिन अगर आप केवल ये याद करोगे तो इससे तो ये बनाना आसान है, लेकिन इससे ये बनाना आसान नहीं है। समझ आ गई बात? तो अगर आप ये याद करते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो आपको ये पता होना चाहिए ये आया कैसे और कौन सी कंडीशन के लिए आया। एक तो बात ये हो गई, तो ये स्पेशल कंडीशन है। इसके अलावा भी मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है कि भाई ये फॉर्मूला आ गया। अब वो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे दूं और बोलूँ याद कर लो, बात अलग है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ना दे के पहले डिराइव करवा देता हूँ कि भाई वो आएगा कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा कि ये जो नीचे पी था इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन पी माइनस पी एस अपॉन पी। बात समझ आ रही है? जो पहले कॉमन था पी, वो मैंने अलग अलग कर दिया। उसके बाद ये मैंने लिख दिया स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहां पर कर देता हूं ताकि जगह कम ना पड़े। पी अपॉन पी वन आ जाएगा, वन माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है कि ये टर्म को यहां रखना है एज इट इज, और ये चारों ये माइनस हट जाए। तो या तो इसको यहां लेके जाओ और इसको यहां लेके जाओ, कैसे ही सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या करा, पी एस अपॉन पी इसको एक साइड रहने दिया, तो ये मान लीजिए कि ये यही रहने दिया और इसको यहां ले गया, तो ये मुझे साइन चेंज करना है। तो मैं पहले सबके साइन चेंज कर लेता हूँ, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब ठीक है। तो पी एस अपॉन पी एज इट इज रहने दिया और ये माइनस वन वहां ले गया तो प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस आ गया स्मॉल एन अपॉन ये आ गया। अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। अब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को आप कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे मतलब, तो ये आपके मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर नीचे दोनों साइड। तो एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और साथ के साथ क्या है, माइनस स्मॉल एन तो पहले से है, तो माइनस स्मॉल एन और माइनस स्मॉल एन कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये आपके आ गया पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूले हैं आपको याद रखने सारे। अब यहां पर जब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला किसके सेंस में था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के सेंस में, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके सेंस में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कहूं, तो यहां तो मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। प्रोपोर्शनल नहीं कहा था मैंने, क्योंकि कोई कॉन्स्टेंट पा नहीं रहा। यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये पी को मैं हटा दूं, तो मैं सिंपल पी एस की बात करूं एक बार, तो यह आ जाएगा पी एस इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ऐसे लिख दिया मैंने। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको मैंने दो तरीके से कह दिया कि सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर में कमी उतनी ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। मतलब बात एक ही हो गई कि कान ऐसे पकड़ो चाहे कान ऐसे पकड़ो। तो यहां पर ये मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के, और प्रोपोर्शनल का मैं साइन हटाऊंगा तो यहां पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या है, पी है, ये आपके फॉर्मूला आ गया पी एस इक्वल्स टू पी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ लिया, एक फॉर्मूला आप चाहे ये वाला फॉर्म याद करो चाहे ये वाला फॉर्म याद करो, बात एक ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको 10 फॉर्मूले याद करने, एक ही फॉर्मूले को हमने अलग अलग फॉर्म में लिख रखा है, ये स्पेशल कंडीशन है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये समस्या क्या है राउल्ट की, कि भाई एक बार हमने राउल्ट लॉ पहले पढ़ लिया, अब ये दूसरी बार आ गया, इसका बस नहीं चले तीसरी बार आ जाए, तो अब पहले वाले में और इस वाले में फर्क क्या है, भाई दोनों हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं और दोनों में समानता क्या है और भिन्नता क्या है। देखिए, पहला वाला जो हमने पढ़ा था उसमें दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट थे, ये वाला जब हम पढ़ रहे हैं इसमें एक वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल। तो वहां पर हमने क्या बात करी थी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में आपके क्या है कंपोनेंट के, और यहां पर हम क्या बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब देखिए मैं कंपेयर करवा देता हूं आपको,
आप सोचेंगे बात तो एक ही थी, लेकिन स्पेशल कंडीशन है। क्या है वहां पर, हमने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि भाई पी जो है वो क्या है, पी ए, पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमने कहा था। अब मैंने क्या कहा कि अब मैं एक स्पेशल कंडीशन लगा रहा हूं कि जो पी ए है ये तो मैंने कहा सॉल्वेंट है, ये मैंने क्या कह दिया सॉल्वेंट है, और ये मैंने कह दिया सॉल्यूट है, ये मैंने क्या कह दिया सॉल्यूट है, और स्पेशल कंडीशन क्या लगा दी नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल होने की वजह से ये तो कंपोनेंट जीरो हो गया, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो जीरो है, तो ये जीरो हो गया। अब यहां पर फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये टोटल का वेपर प्रेशर है, मतलब ये सॉल्यूशन है, तो यहां पर जो नोटेशन है वो सॉल्यूशन के लिए क्या है, पी एस, और ये जो आपके वेपर प्रेशर है किसका है, सॉल्वेंट का, तो इसको मैंने कह दिया पी, और एक्स ए जो है वो किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपके आ गया, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन था इसी को मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिखा। अब आप इसको चेक करो कि ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देखेंगे ये इससे मैच हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो बार हमने राउट लॉ पढ़े दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, बस पहले वाले में हमने दोनों वॉलेटाइल के लिए पढ़ा था, इस बार हमने क्या पढ़ा, एक आपके सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है नॉन वॉलेटाइल। तो ये जो फॉर्मूले हैं इन पे आरपीएससी न्यूमेरिकल पूछती है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर सबसे टफ न्यूमेरिकल पड़ता है सॉल्यूशन वाले यूनिट में तो वो इसी में से पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको पुट करना फॉर्मूले की वैल्यू को और उसको सॉल्व करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो इसमें बच गया है वो ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें वो मॉलिकुलर वेट पूछता है। क्या पूछता है? मॉलिकुलर वेट। कई बार क्या होगा, न्यूमेरिकल पूछेगा, वो कहेगा कि भाई प्योर का इतना वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का इतना है, बताओ क्या होगा, ये क्या लिख दिया मैंने स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो वहां पर यही फॉर्मूले आपको काम में लेने हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमको पुट करना नहीं आता भाई कौन सा फॉर्मूला लेके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, वो जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। लास्ट जो पॉइंट बच गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मॉलिकुलर वेट, कि भाई अगर आपसे वो मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब मॉलिकुलर वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट 99% जो है वो वेरी डाइल्यूट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? वेरी डाइल्यूट के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अलावा फिर आपकी कंडीशन काफी टिपिकल हो जाएगी, तो वेरी डाइल्यूट के लिए आएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब वो मॉलिकुलर वेट पूछेगा किसका, सॉल्यूट का, तो ये मोल किसके हैं, सॉल्यूट के, और मॉलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पर स्मॉल एम की जगह में क्या लिख सकता हूँ, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, स्मॉल एम लिख दिया, स्मॉल एम क्या है, मॉलिकुलर वेट, और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। इस पे भी वो क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, और आरपीएससी ने 2018 में और 2022 में दोनों में क्वेश्चन पूछा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे मामूली सा चेंज करा है और क्वेश्चन एज इट इज सेम पूछ लिया है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो हमेशा पढ़ के जाइए, एज इट इज सिमिलर मिल जाएगा या सेम टू सेम मिल जाएगा, उससे मिलता जुलता आ जाएगा। जब मैं आपको आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे जो आरपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से मैक्सिमम तो रिपीटेड है और बाकी मिलते जुलते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा सॉल्यूट इतना है, वेट दे देगा, सॉल्वेंट का वेट दे देगा, सॉल्वेंट का मॉलिकुलर वेट दे देगा, और प्रेशर दे देगा पी और पीएस। फिर कहेगा भाई सॉल्यूट आप बताओ मॉलिकुलर वेट क्या होगा, तो ये वो आपसे पूछ लेगा। अब इस फॉर्मूले को आप चेंज कर लीजिए डिफरेंट फॉर्म में, तो वो आप डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको सॉल्व करने में आसानी हो वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे इस फॉर्मूले को भी आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर हम पढ़ लेंगे। तो सारे फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले आप, चलो फिर भी अगर मान लो आपको लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये स्मॉल एम में यहाँ लेके आ गया, ये स्मॉल एम मैंने लिख दिया, ये एज इट इज है टर्म डब्ल्यू स्मॉल कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से क्या आ गया पी, और यहाँ से क्या आ गया नीचे पी माइनस पी एस, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये आपके फॉर्मूला हो गया।
अब आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। जैसे ही फॉर्मूला पुट करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ये कैपिटल एम एज इट इज आ गया, ये पी इधर चला गया और ये पी माइनस पी एस आ गया। और ये अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर वेट आ जाएगा किसका, सॉल्यूट का। और 99% में अगर वो पूछेगा मॉलिकुलर वेट तो सॉल्यूट का ही पूछेगा, सॉरी। तो ये आपके फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमने क्या देखा, वेपर प्रेशर क्या होता है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर हमने दो फॉर्म में पढ़ा कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा हमने पढ़ा कि जो आपके फॉर्मूला है ये वाला, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉल्वेंट के प्रेशर के। तो पी एस इक्वल्स टू पी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किसका, राउल्ट लॉ का। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कई बार वो डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है, कई बार इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम आज पढ़ेंगे वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं परासरण दाब। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण दाब समझने से पहले ये समझना होगा कि परासरण क्या होता है। और एक आपको और चीज क्लियर कर दूं, यहां पर एक टर्म और आप कई बार सुनते हैं या पढ़ते हैं, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वहां पर आपके मूवमेंट जो है वो फ्री होता है, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर परफ्यूम छिड़का, ठीक है, परफ्यूम स्प्रे किया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, सॉरी। तो वहां पर क्या है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और बेसिकली जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। आप जब भी पढ़ेंगे तो आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ऑस्मोसिस में जब आप पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ते हैं, तो वो सुनने में उल्टा लगता है लेकिन एक्चुअल में उल्टा होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो भी आपको समझाऊंगा। जब आप कह रहे हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो वहां पर जब आप कंसंट्रेशन टर्म बात करते हो, मैंने जब आपको कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बताई थी कि भाई कंसंट्रेशन हम क्यों हमने डिफाइन करा या क्यों जरूरत पड़ी, तो वहां पर आपको कंपेयर करना है कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जब आप कहते हो हाई कंसंट्रेशन, इसका मतलब दो सॉल्यूशन में कंपेरेटिवली, जब मैं कह रहा हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी कम है, इसका मतलब इसमें कंपेरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा है। इससे बात समझ आ गई। तो कंसंट्रेशन में कह रहा हूँ हाई, मतलब वो सॉल्यूट के सेंस में कह रहा हूँ। अगर मैं सॉल्वेंट के सेंस में कहने लग जाऊं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो दूसरे के कंपैरिजन में सॉल्वेंट क्या हो गया, कम हो गया। अब बात आती है वापस से ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि मैंने क्या करा, ये डायग्राम मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आप ऐसे सीरियस मत लेना इसको, ठीक है, मेरी ड्राइंग वीक है थोड़ी सी। ये मैंने कहा सॉल्यूशन है और ये मैंने कहा सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन है यहां पर और ये सॉल्वेंट है, देखने में आपको एक जैसे लग रहा होगा, मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जब आप कंपेयर करेंगे कंसंट्रेशन को, तो सॉल्वेंट क्योंकि मैंने कहा प्योर सॉल्वेंट है तो वहां कंसंट्रेशन का कोई सेंस ही नहीं है देखा जाए तो। क्यों, कंसंट्रेशन का सेंस कब होता है, जब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट तो प्योर है तो एक तरह से वहां पर मैंने कंसंट्रेशन जीरो मान ली इन द सेंस ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर मैंने कहा कि भाई कोई ना कोई कंसंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए कि इस पानी में मैंने नमक घोल रखा है और ये मैंने प्योर वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, क्लियर। तो यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर कंसंट्रेशन कम है, या आप कह सकते हो जीरो है। ये मैं लिख देता हूं हाई कंसंट्रेशन और ये लो कंसंट्रेशन मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए बात कर रहे हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप सॉल्वेंट ही लो, आप दो सॉल्यूशन भी ले सकते हो। अब होगा क्या, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये आपके ऑस्मोसिस में मस्ट है, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई सेंस नहीं है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, जहां तक मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत ना हूं तो इसको हिंदी में कहते हैं
अर्ध पारगम्य झिल्ली, गलत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है? सेमी का मतलब आधा, जैसे सेमीफाइनल होता है ना, फाइनल से पहले वाला, तो सेमी का मतलब क्या है कि ये आपके सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है उसको तो अलाउ करेगी आने जाने के लिए, लेकिन सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको अलाउ नहीं करेगी। ये इसकी खास बात है कि आपके जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से सॉल्वेंट तो आ जा सकता है लेकिन सॉल्यूट आ जा नहीं सकता। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो तो यहाँ जा नहीं सकता, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का तो मूवमेंट हमने बाध्य कर मतलब रोक दिया। अब जो आप पढ़ते हो ना कि भाई यहाँ पर आपके डेफिनेशन क्या आएगी ऑस्मोसिस की, तो वहां पर आप क्या पढ़ते हो, ऑस्मोसिस एक्चुअल में है क्या? ऑस्मोसिस में हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, टू हाई कंसेंट्रेशन। अब लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, ये तो मैंने लिख दिया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, राइटिंग खराब आ रही है जल्दबाजी में, समझ में आ रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कई बार क्या होता है, बच्चों को सबसे बड़ी आफत क्या लगती है या समस्या क्या लगती है कि सर ये क्या पढ़ लिया हमने, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन, तो ये बोले ये तो सर हमने अभी तक जो पढ़ा था ये तो उसका उल्टा हो गया, हमने तो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पढ़ा था। तो मैंने अभी आपको किसका एग्जाम्पल दिया था, परफ्यूम का। तो परफ्यूम में आपके क्या है कि जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं चाहे सॉल्यूट के हो चाहे सॉल्वेंट के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हाई से लो पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब यहां पर बेसिकली जो बात हो रही है वो सॉल्यूट की, तो हमने बात ही खत्म कर दी। किसने खत्म कर दी, एसटीएम ने, इसने बोला नो मैं आने नहीं दूंगा। तो अब आपके जो बेसिकली हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं हाई और लो, वो सॉल्यूट के सेंस में करते हैं, तो एसपीएम ने बोला मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो सॉल्वेंट की बात करूंगा। तो अब जब आप सॉल्वेंट के सेंस में देखेंगे तो उल्टा मीनिंग आएगा, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन, इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम, मतलब ऐसे नहीं कि आप इसको आपस में बोलोगे सर सॉल्वेंट तो आपने कहा था जो ज्यादा होता है, दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन बात कर रहा हूँ, जैसे इन दोनों के कंपैरिजन में बात करूं तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन का मतलब अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं पार्टिकल की संख्या की, तो सॉल्यूट के इसकी तुलना में ज्यादा है और सॉल्वेंट की तुलना इसकी तुलना में कम है, मतलब ओवरऑल सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी, सॉल्यूट की, इन दोनों में, लेकिन अगर सॉल्वेंट कहूं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है दूसरे का कंपैरिजन में, अब मुझे मूवमेंट किसका कराना है, सॉल्वेंट का, तो जिसका मूवमेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन की बात होनी चाहिए। तो हम क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम सॉल्यूट के सेंस में बात करेंगे, इसलिए फिर लिखने में उल्टा आ रहा है, लो से हाई जो है वो आपके सॉल्यूट के सेंस में, लेकिन सॉल्वेंट के सेंस में तो बेसिकली वही है। तो ये आपको याद रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो अब आपको क्या करेंगे कि आप यहां से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करेंगे, यहां पर ये ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपके ऑस्मोसिस हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए कि ये ऑस्मोसिस शुरू हुआ तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, इधर जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे और ये किस में जाते जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि ये ना हो, तो ना हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से, कहां से, सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, कि भाई ये जो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से प्रेशर लगाना पड़ेगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो आ ना पाए, इतना प्रेशर लगाना है कि भाई वो आ ना पाए। तो एक्सटर्नल जो मैं प्रेशर लगाऊंगा कि ऑस्मोसिस ना हो, या मैकेनिकल प्रेशर कह दो, कुछ भी, किस साइड से लगा रहे हैं, सॉल्यूशन की साइड से, तो सॉल्यूशन की साइड से जो हम प्रेशर लगा रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कि ऑस्मोसिस ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑस्मोसिस रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर लगाना है,
कहाँ से लगाना, सॉल्यूशन की साइड से प्रेशर लगाना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, और कितना लगाना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ये सिंपल है। तो ये समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, देखिए हम इंसान भी अजीब है, मतलब अजीब कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ग्रेप्स होते हैं अंगूर, उसको पहले सुखाएगा और सुखाने के बाद क्या बनाएगा, किशमिश, ठीक है, किशमिश बन जाएगी। अब अंगूर सस्ते मिलते हैं, किशमिश महंगी मिलती है, वो बन गया ड्राई फ्रूट। फिर जब खाने की बारी आती है तो हम रात को क्या करते हैं, बादाम भिगो रहे हैं, किशमिश भिगो रहे हैं, उसको वापस से भिगो के खा रहे हैं, अजीब ही है मतलब, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, किशमिश को भिगो रहे हैं पानी में, तो हम देखते हैं सुबह तक वो फूल गई, मतलब पहले सुखड़ी हुई थी फिर बाद में फूल गई, फूली क्यों, ऑस्मोसिस की वजह से। अब हुआ क्या कि जब आपने पानी में किशमिश डाली, मान लीजिए किशमिश है, ठीक है, मान लीजिए, लग तो नहीं रही है लेकिन मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या है, अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो ज्यादा है, कंसंट्रेट है, और बाहर हमने पानी में डाला है, पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस से पानी क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, और जब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये फूल जाएगी, बात समझाएगी, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसका एग का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, सफिशियंट है इतना समझाने के लिए, बाकी थ्योरिटिकली आपसे कोई नहीं पूछ रहा। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे, क्योंकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो फॉर्मूले पे आएंगे। तो आपको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊं, उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अभी आप लाइव तो हो नहीं तो आप रिप्लाई हतोत नहीं कर पाओगे, कि आपकी एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, आइडियल गैस की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने पढ़ी होगी पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, पी इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। पी क्या है, प्रेशर, कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं मोलैरिटी के सेंस में बात करूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये मैंने सी लिख दिया, ये लिख दिया आर टी। तो आप फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहां पर मैंने क्या करा, जो आपके, इसको आप ऐसे समझो, जैसा आपके आइडियल गैस बिहेव करती है वैसे ही आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट बिहेव कर रहा है। इसको थ्योरेटिकली समझना है तो इतना समझ लीजिए। तो यहां पर मैंने क्या करा, नोटेशन चेंज कर दिए। नोटेशन क्या चेंज करें, कि जो आपके प्रेशर था उसकी जगह क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैंने पाई से बता दिया, और वी जो है वो वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब होता क्या है कि वैसे सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है एस, लेकिन वो देखा जाए तो यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट है उससे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो फॉर्मूले में भी आप देखेंगे मैक्सिमम जगह जब लिखा हुआ होता तो आर लिखा हुआ होता, अगर आर की जगह एस लिखा हुआ मिल जाए तो उसको आप एंट्रोपी मत मान लेना, आर ही मान के चलो। तो आर मान के चलो कि उससे फायदा क्या होगा, जब आपको वैल्यू याद करनी है तो आर वाली वैल्यू याद करनी है। तो मैंने एक फॉर्म लिख दिया ये पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, और दूसरा फॉर्म जो है वो वही वाला है एन अपॉन वी, वो भी लिख देता हूं, चलो पाई वी इक्वल्स टू एन अप, दोनों कैसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, ये लिख दिया दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म क्या लिख दिया, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये आपके फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ पर आप जो है रिलेशन निकाल सकते हो, रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ, जो रिलेशन निकाल रहे हैं वही वेरी कर रहा है, बाकी सारी चीज़ कॉन्स्टेंट है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस पर डिपेंड कर रहा है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये मीनिंग क्या है इनका, पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर जो है, अब आप इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट मान लो, गैस कांस्टेंट मान लो, आपकी मर्जी है, टी है टेम्परेचर, सारे नोटेशन क्लियर हो गए। सी है कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर रिलेशन क्या है, एक एक करके सारे रिलेशन ले लेते हैं। जैसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन, कि जो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ रहे होते। भाई हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहा, कि वह प्रॉपर्टी जो पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती है, मतलब पार्टिकल की संख्या कौन सी, सॉल्यूट के। तो यही तो इसको मेंशन कर रहा है कि भाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब डिपेंड कर रहा है। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पार्टिकल के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। तो पहला रिलेशन तो ये आ गया पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन, इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे जितने भी फैक्टर है वो आपको कांस्टेंट करना है।
तो आप क्या कर सकते हो इसको आगे जाके समझने के लिए, पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, मतलब अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें ये दो फैक्टर दे रखे हैं बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन और पाई टू अपन पाई वन इक्वल्स टू एन टू अपन एन। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो नोटेशन है जैसे टू है तो टू सामने सेम चलेंगे, अगर इन्वर्सली है तो इन्वर्स हो जाएंगे। तो पहला मैंने कह दिया एन से, अब आर तो कॉन्स्टेंट है गैस कॉन्स्टेंट, उससे क्या मतलब है हमको। दूसरा मैं कह देता हूँ टी से, पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ लिख देता हूँ पाई टू अपॉन पाई वन, पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, हालांकि कोई पूछ नहीं रहा फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या क्या कर लिया, एक तो पाई का पढ़ लिया एन से, एक पाई का पढ़ लिया टी से, अब आर से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बच गया वी एक, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, क्योंकि ये v जाएगा तो नीचे जाएगा, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे एक चीज समझ में आ रही है आपको, चलिए अभी और आ जाएंगे आगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो आपके आ रहा है लास्ट में, ये वाला c। तो मैंने क्या कहा, पाई इज प्रोपोर्शनल टू c, मतलब पाई टू अपॉन पाई वन इक्वल्स टू सी टू अपॉन सी वन, ये आपके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस वाले रिलेशन पे पूछेगा। अब इस रिलेशन पे क्या पूछेगा वो, कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब वो आपके दो सॉल्यूशन को कंपेयर करेगा, भाई वो आपको ऑप्शन क्या देगा, ये चार सॉल्यूशन है, बताओ इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा सबसे कम किसका होगा इटीसी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेला होता है या सबसे बड़ा जो बेसिक लॉजिक है या जो क्वेश्चन पूछने के पीछे जो एम है वो आता है किस पे, वो आता है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं। किसके लिए हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि जिनकी कंसंट्रेशन जो आपने ली है वो एज इट इज वही है, मतलब पार्टिकल की संख्या जो आपने थ्योरेटिकली मानी थी शुरू में उतनी ही है। लेकिन अगर आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट पे ही आता है, तो आपके ये फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं एज इट इज फॉलो नहीं होंगे, कुछ चेंज आ जाएगा। कुछ चेंज क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पाई इक्वल्स टू सी आर टी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये पाई इक्वल्स टू मैं कह देता हूँ एक्स सी आर टी, एक फॉर्मूला आप ये पढ़ लो। एक दूसरा फॉर्मूला आप कह सकते हो पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी, एक ये पढ़ लो। बात एक ही है, बस फर्क क्या है कि आई जो है वो आपके होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी आप केवल इतना समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया NaCl, NaCl के मान लीजिए मैंने एक मोल ले लिए। अब एक मॉलिक्यूल कहूंगा तो बात सही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता आयनिक कंपाउंड में, मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक मोल ले लिया NaCl। अब मैंने क्या माना थ्योरेटिकली कि मैंने पार्टिकल की संख्या कितनी ली है, एक मोल। ठीक है, लेकिन जब उसको मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब खास बात क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ना तो वो आपके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की संख्या। मतलब उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पार्टिकल NaCl है या Na प्लस आयन है या Cl माइनस आयन है, उसको तो केवल संख्या से मतलब है। तो शुरू में जब मैंने संख्या मानी थी थ्योरेटिकली, जो मैंने स्टार्टिंग में ले रहा था मैं, वो मैंने मानी थी कि भाई मेरे पार्टिकल की संख्या क्या है, एक मोल। अब उसको ये पता ही नहीं है कि कौन से पार्टिकल है, उसको मतलब ही नहीं, उसको केवल मतलब किससे, एक मोल से। लेकिन बाद में हो क्या गया मेरे साथ, मेरे साथ क्या हुआ कि जब सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया और मान लीजिए 100% डिसोसिएट हो गया, तो अब मेरे पास एक मोल Na प्लस आयन है और एक मोल Cl माइनस आयन है, तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए, दो मोल। तो अब यहाँ पर बेसिकली डिफरेंस क्या आता है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना चाह रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने शुरू में क्या लिया था, एक मोल पार्टिकल लिया था, अब मैं चाहे किसी का ही लूँ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मेरे को मिल कितने रहे, दो मोल। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि सीधी सी बात है एन पे डिपेंड कर रही है या सी पे डिपेंड कर रही है, तो अब यहाँ पर जो आपके इफेक्टिव कंसंट्रेशन आती है, सी डैश समझा देता हूँ, वो अब जो थ्योरेटिकल आपने सी ली थी वो नहीं आ रही, प्रैक्टिकली आपने उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब एक्स क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ आयंस, मतलब एक आपके फॉर्मूला से नंबर ऑफ आयन कितने बन रहे हैं वो एक्स है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले से कितने आयन बन रहे हैं, दो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। मतलब अब आपके जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आप कह सकते हो वो आपके 2C है, मतलब थ्योरिटिकल कंसंट्रेशन से डबल है। तो जब आपके मान लीजिए कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, जब तक वो वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं करे आपको 100% ही मान के चलना है। तो आपको क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो अगर आपके एक फॉर्मूले से दो आयन बन रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा वो थ्योरिटिकल से जस्ट डबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर NaCl है तो x की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि दो आयन बनेंगे। अगर मैंने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अगर मैंने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर मैंने कह दिया एल्यूमिनियम सल्फेट है तो x की वैल्यू क्या होगी, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। x का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने। तो बेसिकली x मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए बता दिया कि x का मतलब क्या है कि एक आपके जो आयनिक फॉर्मूला है उससे टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बन रहे हैं। अब यहां पर i जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है, वो क्या है, अगर आपके 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूले से कितने आयन बन रहे हैं आप आसानी से देख के बता सकते हो। लेकिन मान लीजिए 100% डिसोसिएशन ना हो, उस केस में फिर काम आता है वांट ऑफ फैक्टर। तो वो स्पेशल केस जब हम पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ये मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डेफिनेशन बता दी, कंडीशन बता दी, और ये जो आपके दिमाग में था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन क्यों होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि जो नॉर्मली हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं वो सॉल्यूट के सेंस से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ मूवमेंट सॉल्वेंट का करा रहा है तो इसलिए उल्टा आ रहा है। कंडीशन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है। अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है तो आपको प्रेशर कौन सी साइड से लगाना है, सॉल्यूशन की साइड से, और वो प्रेशर जब आप लगाएंगे और वो रुक जाएगा तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद है, उससे आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, फिर आपने रिलेशन निकाल लिया, ये आपके आ गया। ये जो आपकी कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मैंने क्या करा, NaCl दे दिया, वो कहेगा चार सॉल्यूशन है, NaCl, MgCl2, AlCl3, और मान लीजिए ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज यूरिया कुछ भी दे देगा। फिर वो कंसंट्रेशन लिख देगा कि भाई जैसे ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है मोलैरिटी, तीनों की 1 दे दी, इसकी 2 दे दी। वो कहेगा बताओ इन चारों में से सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। अब मान लीजिए आपका ये वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ नहीं है तो आप क्या देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये रहा। अब आप देखेंगे चारों में से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, ग्लूकोज की, ये आपने टिक कर दिया। हालांकि कभी भी वो ग्लूकोज नीचे नहीं लिखेगा, ऊपर ही लिखेगा। अब ये आपने टिक कर दिया जल्दबाजी में क्योंकि आपको लगा इसकी ज्यादा है। अभी रुक जाओ, आप सबर करो, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। कैसे, अब आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालनी है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए क्या करोगे, NaCl कितने में टूट रहा है, 2 में इंटू 2, ये कितने में टूट रहा है, 3 में इंटू 3, ये कितने में टूट रहा है, 4 में इंटू 4, ये तो टूट ही नहीं रहा, इंटू 1। तो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी वो निकाल लो आप, कितनी आ रही है, 0.2, ये कितनी आ रही है, 0.3, ये कितनी आ रही है, 0.4, ये आ रही है 0.2। अब आप देखो कि ये सबसे ज्यादा जो आ रही है वो ये वाली आ रही है AlCl3। तो ऐसे केस में 99% जो आंसर होता है वो वाला होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो चाहे तो कंसंट्रेशन को अलग अलग देगा तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली वो यही आंसर होता है। लेकिन ऐसा कोई रटना नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सॉल्व करना। तो मैक्सिमम केस में, और देखिए ये वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया ये केवल ऑस्मेटिक प्रेशर में लागू नहीं होगा, ये सब जगह लागू हो जाएगा। मतलब चाहे आपके रिलेटिव लोअरिंग, वेपर प्रेशर हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से कोई सी भी हो चारों में से, ये कंसेप्ट सब जगह लागू होगा। वो क्या कहेगा कि सबसे ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा, सबसे ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस में होगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा, चारों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी पूछे कंसेप्ट यही लगेगा इफेक्टिव कंसंट्रेशन वाला। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन आते हैं इस वाले कंसेप्ट पे वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन के बेस पर हम सॉल्यूशन को टर्म देते हैं। क्या टर्म देते हैं, जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन हैं हमको उनको कंपेयर करना है तो हमको उनको कुछ टर्म से डिनोट कर सकते हैं। क्या क्या है, पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो किसके लिए काम में लिया जाएगा, अब देखिए ये जो टर्म है ये कंपेरेटिव टर्म है,
अकेले के फॉर्म में इसका कोई सेंस नहीं है। दो सॉल्यूशन है, आप इसको ऐसे समझो कि ये मैंने क्या करा, दो सॉल्यूशन ले लिए, बीच में मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब मैं इनको नाम दे रहा हूं, तो अगर मैंने नाम दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ए और बी दोनों क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग ये है, वह सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है। अब सेम का मतलब दो सॉल्यूशन होंगे तभी तो सेम होगा, सेम और डिफरेंट का कंसेप्ट तब है जब दो हैं। तो अगर मैंने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब वह सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब ए और बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो ये भी आइसोटोनिक कहलाएगा और ये भी आइसोटोनिक कहलाएगा, मतलब ए आइसोटोनिक है किससे, बी से। इसको मैं ऑल्टरनेट फॉर्म में कैसे ले कह सकता हूँ कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी कंसेंट्रेशन सेम है, लेकिन बी केयरफुल किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। वहां पर आपको कंसंट्रेशन की जगह इफेक्टिव कंसंट्रेशन काम में लेनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने कह दिया कि ये भी 0.1 m है और ये भी 0.1 m है, तो मैं इसको आइसोटोनिक कह सकता हूँ जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो फिर वहां पर आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, जो भी मैंने आपको एक्स करके बताई थी। ठीक है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, या फिर हम उनको ऑल्टरनेट कह सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम है। आप इसको और अच्छे से याद करो, इफेक्टिव कंसंट्रेशन सेम है, मतलब अगर थ्योरेटिकल सेम है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करो तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो आएगी वो सेम आनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक। दूसरा है हाइपरटोनिक, तो ये आपके एक पेयर में चलेंगे, ये तो अकेला काफी है क्योंकि दोनों का बराबर हो गया, ये पेयर में चलेंगे। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो दूसरे से ज्यादा है, मतलब उसका नो डाउट कम होगा। तो जब एक का ज्यादा और एक का कम है, तो जिसका ज्यादा है उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ आई? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब मैंने क्या कहा कि ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बी से, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है क्या है, किससे, बी से। बात समझ में आ गई? ए और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने मेंशन कर दिया, तो ए जो है वो क्या है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक है, ये क्या है, हाइपरटोनिक, और बी का कम है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो है ही, नो डाउट। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हालांकि ये थ्योरेटिक थ्योरी में आपको कोई मिलेगा नहीं, पूछ लेता हूँ मैं आपसे। अब हमने पढ़ी लिया है कि भाई एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे, ए से बी में जाएंगे या बी से ए में जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक में जाएंगे या हाइपोटोनिक के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक में जाएंगे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप ए और बी के सेंस में भी कर सकते हो और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के सेंस में भी कर सकते हो, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, और ठीक है मेरे भी क्लियर हो जाएंगे और आपके भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मॉलिकुलर वेट, अब ये तो आप मान के चलो कि आप कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, लास्ट में आपके ये आएगा ही आएगा कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिकुलर वेट कैसे निकालोगे, तो वहां पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने वेपर प्रेशर वाले केस में क्या करा, स्पेशल कंडीशन अप्लाई करी कि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तो नीचे जाके स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को कैपिटल एन लिख दिया। अब यहां पर ऐसी कोई जरूरत थी नहीं, अब यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाई इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी, ये हमने पढ़ा था। अब देखो डायरेक्ट आप सी वाला फॉर्मूला ले लोगे तो सी में तो फिर आपको वापस यही आना पड़ेगा, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट को स्मॉल एम लिख देता हूँ, बाकी आपके आर टी अपॉन वी एज इट इज आ जाएगा। अब ये एम तो चला गया ऊपर, पाई चला गया नीचे, तो ये फॉर्मूला आप चेक करो, एम के साथ क्या है, डब्ल्यू आर टी ऊपर है और नीचे क्या है, वी तो था पहले से, पाई आ गया, ये आ गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सारे फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, एक बेसिक फॉर्मूला याद करो उससे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा याद करोगे तो ये दिमाग जो है उसमें बहुत ज्यादा वजन पड़ता है। अब किसी की कैपेसिटी अच्छी हो रटने की तो बात अलग है, ठीक है, तो कम याद करो लेकिन समझो ज्यादा। अगर आपने समझ रखा है तो आप सारे फॉर्मूले अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि जब समझने वाले क्वेश्चन आते हैं तो याद करे वो को अप्लाई करना आना चाहिए, और अगर आप ऐसी प्रैक्टिस रखते हो तो पहले से आपको अप्लाई करना आ जाता है, ठीक है, ये फायदा रहता है।
अब आपके आर जो आपने लिया है उसकी आपके कुछ वैल्यू दे रखी है यूनिट के साथ, तो वैल्यू आपको याद रखनी है, साथ में यूनिट भी याद रखनी है। तो देखिए यूनिट भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो रटने की जरूरत है, लेकिन समझने के साथ भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कैसे कि आर की जो वैल्यू है वो है आपके 8.31 जो है जूल पर केल्विन पर मोल में। अब ये यूनिट अगर आपको याद रखनी है तो इसको आप ऐसे समझो कि आइडियल गैस की इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी है, 11 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी, पी डेलवी ये आपके वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पी डेलवी वर्क का फॉर्मूला होता है। तो वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल, तो पी इंटू वी जो है वो एनर्जी की यूनिट है, इसकी आ गई जूल में। अब R की आपको निकालना है, N अपॉन T नीचे जाएगा तो N क्या हो जाएगा R क्या हो जाएगा PV अपॉन NT, तो PV तो आ गया जूल में, R को यहीं कहने देता हूँ, PV तो आ गया जूल में, N किस में है मोल में और T किस में केल्विन में, जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं चीज़ों को, आप समझ सकते हो, ठीक है। PV को उसको NRT याद है, आपने फॉर्मूला निकाल लिया, जूल पर केल्विन पर मोल 8.31। इसके अलावा आप जूल को अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है, ये आपके आ जाएगा एज इट इज अर्ग पर केल्विन पर मोल। अगर अब यहां पर आप जो यूनिट ले रहे हो, देखिए जूल, देखिए एनर्जी की भी जितनी भी फॉर्म है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है जूल, लेकिन जब हम हीट पढ़ते हैं, हीट भी एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट पढ़ते हैं तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट काम में लोगे तो जूल आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्पेशली हीट के फॉर्म में पढ़ोगे तो हीट की एक अलग से यूनिट होती है कैलोरी, कैलोरी के फॉर्म में भी हम पढ़ सकते हैं। तो जब कैलोरी के फॉर्म में आप पढ़ोगे तो ये आपके आ जाएगा 1.98, क्या आ जाएगा 1.98, तो ये हो जाएगा कैलोरी पर केल्विन पर मोल। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे पता चलेगा कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और मुझे आपके लिए वीडियो बनाना है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे मतलब आप रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे, मुझे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेन बात यह कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो न्यूमेरिकल आते हैं मैक्सिमम वो इससे आते हैं, मतलब इससे आते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू काम में लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या है 0.082। अब यहाँ यूनिट क्या है लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल, ये आपके और आसान है। कैसे, पाई इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, तो इससे मैं अगर आर निकालूं तो आर क्या हो जाएगा पाई इंटू वी अपॉन एन और टी। तो पाई जो है वो प्रेशर है और वी क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को ले लिया लीटर में, प्रेशर को ले लिया एटमॉस्फेयर में, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है टेम्परेचर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके सबसे ज्यादा वैल्यू काम आएगी किस में, ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्व जब आप करोगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में उसमें काम आएगी। अब ये एक चीज तो यहाँ मैंने छोड़ी दी, ये मैंने लिख रखा है, ये मैंने इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, ठीक है, मुझे भूलने की आदत है। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ETC। तो देखिए मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया कि भाई क्या फॉर्मूला है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीमर हो गए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हो गए, इनके आप मॉलिक्यूलर वेट कौन से मेथड से निकालते हो, ये क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम केस में जो प्रायोरिटी होती है कि भाई हम कौन सा मेथड काम लेते हैं वो हम लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ये क्वेश्चन RPSC ने पूछ रखा है, कौन से एग्जाम में पूछ रखा है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बता दूंगा। RPSC ने पूछ रखा है कि भाई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट जब आपको निकालना है तो कौन सा मेथड काम में लोगे, तो आंसर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आंसर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो बता दिया, उसके बाद हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी हमने पढ़ ली ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरी पढ़ ली हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक टॉपिक आपके और बच रहा है वॉन्ट फैक्टर। तो कोशिश ये करूंगा एक ही वीडियो में कवर हो जाए, और अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वॉन्ट फैक्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए,
और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वो जरूर कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल तारीफ कर दी, हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा है, शुरू में देखा 2-3 सेकंड सर वीडियो बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट कमेंट वो लगते हैं जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर कमेंट करा है तो उससे मुझे पता चलता है कि हाँ उसने वीडियो देखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट देखा और हाँ सर सुपर, वो नहीं, झूठी तारीफ नहीं चाहिए। आप क्या करो, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका कमेंट करो। और कई बार क्या होता है, जैसे मैंने वीडियो के लास्ट वाले जो वीडियो है उसमें लास्ट में पूछा था कि ये क्वेश्चन क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा, तो कई बच्चों ने कमेंट किया है, तो उससे मुझे एक चीज पता चल गई कि ये बच्चे हैं जिन्होंने एंड तक वीडियो देखा है। तो ऐसे बच्चे जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है जो वीडियो देखते हैं और साथ में इतनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि भाई सामने वाला अगर आपके लिए वीडियो बना रहा है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम आंसर कमेंट करें, तो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू रहिए, बने रहिए, और आपको मैं सिलेक्ट करवा कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।